पन्ना जिले के बिसानी गांव में 3 वर्ष से ग्रामीण बंदरों से इतने परेशान हो चुके थे कि इसके लिए वृंदावन से रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। टीम ने 3 दिन मेहनत कर 4 बंदरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। यही नहीं, रेस्क्यू टीम लगातार बंदरों की धर पकड़ करने में जुटी हुई है। जिले के सहानगर विकास खंड के ग्राम बिसानी के ग्रामवासी पिछले 3-4 वर्षों से बढ़ रही बंदरों की संख्या से परेशान थे। ये बंदरा घरों के छप्पर और साग सब्जियां फल फूल को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों मथुरा से बंदर पकड़ने वाला रेस्क्यू दल बुलाया, जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सहित गांव के बीच स्थित पक्के मकानों की छतों पर बंदर कैप्चर पिंजरे लगाए हैं, जिनमें खाने पीने का सामान रखकर उन्हें रखा गया है। बंदर यहाँ आते हैं और वह कैप्चर पिंजरों में कैद हो जाते हैं। बिसानी पंचायत की सरपंच शशिकला ने बताया, इस संबंध में वन विभाग से पहले भी कई बार बंदरों के आतंक के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे ग्रामवासी बेहद परेशान थे। ग्रामवासियों ने बंदरों को यहां से हटाए जाने की मांग की थी, जिस पर ग्राम पंचायत ने बंदरों को पकड़वा कर दूर जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक टीम बुलाई गई, जो अब बंदरों को कैप्चर कर रही है। कैप्चर पिंजरों में बंदरों को कैद करने की प्रक्रिया जारी है। बिसानी गांव में विगत 2 से 3 वर्षों से बंदरों के द्वारा तो मतलब इतनी समस्याएं हैं सर, क्या बताएं कि उनके बंदरों के माध्यम से छत में कोई अपना अनाज नहीं सुखा सकता है, कच्चे घरों के खपरेल फूट गए हैं। जिस इस समस्या से मतलब वन विभाग ने 1 से 1.5 साल पहले कोशिश किया पकड़ने की, जिसमें वो असफल रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।